दमोह के मैरिज गार्डन में देर रात चल रही शादी में चोरों ने लाखों के जेवरात से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद चोरों की कार अनियंत्रित होकर हादसे की शिकार हो गई, जिसमें एक चोर की दर्दनाक मौत हो गई और दो चोर जख्मी हो गए, जबकि एक चोर फरार हो गया। पुलिस ने चोरों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इस मामले में SP शुद्ध कीर्ति ने बताया कि मैरिज गार्डन में चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें चोरों की तलाश के लिए रवाना हुई हैं। तभी पुलिस को सूचना मिली कि बादकपुर एक जगह पड़ता है, उसके पास एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई है। इलाज के दौरान पता चला कि हादसे में घायल वही चोर हैं जो मैरिज गार्डन में चोरी की घटना को अंजाम देकर भागे हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरी किए हुए जेवरात चोरों से बरामद किए और एक चोर की तलाश जारी है। इसमें थोड़ी देर बाद ये सूचना मिली कि बांदकपुर रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। उनसे पूछताछ करने पर पता लगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये घटना जो है ये कारित की थी। जो व्यक्ति इसमें घायल था उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। एक व्यक्ति इसमें अभी फरार है और उसको पकड़ने के लिए टीम जो है यहाँ से रवाना हुई है।